सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4, लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। अभी ये क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। अ बीम ऑफ क्रॉस सेक्शन 100 mm मल्टीप्लाइड बाय 200 mm इज सिंपली सपोर्टेड एट ईच एंड एज शोन इन फिगर। यानी इस क्वेश्चन में बीम आपको दे दिया है, ओके, कंडीशन हैज बीन शोन टू यू, ओके। डिटरमाइन मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बीम। यहां पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस पता करना है, ओके। सेक्शन याद रहे, इट इज 100 × 200 मींस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। सो आई विल ड्रॉ द डायग्राम। द सेक्शन ऑफ द बीम इज रेक्टेंगुलर। The width is 100 mm. Depth is 200 mm. This is the rectangular cross section. Now, a beam of cross section 100 mm into 200 mm. is simply supported at each end as shown in figure. यानी यहाँ पे आपको figure दिया हुआ है, so this figure I would be drawing it once again. This diagram is given, okay. Here I have to find out, I have to determine the maximum bending stress induced. I have to find out the maximum bending stress. Okay, so sigma b is my question. So now I'll write the solution for this problem. ठीक है, इस problem को भी हम लोग सारे previous problems की तरह ही start करेंगे. That is by starting it with a flexural formula. So I'll write down, since the flexural equation is given by, since the flexural equation is given by, flexural equation is m upon I is equal to sigma b upon y. So therefore sigma b is required, so sigma b is equal to m in, upon I into y. ये हो गया हमारा equation number 1, ठीक है। Now I need to calculate what is capital M, what is I and what is y. अभी कैपिटल एम के कैलकुलेशन के लिए हम लोग पहले जाएंगे। सी रिमेम्बर हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अभी आपको कैलकुलेट करना है कैपिटल एम, और हम लोगों ने जो प्रीवियस केसेस देखे हैं ऑफ वट एवर काइंड ऑफ बीम इज देयर, ऐसा केस कहीं पर भी नहीं है। मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले से आप यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो हाउ टू गेट दिस, आप यहाँ पे देखिए, दिस बीम इज एग्जैक्टली सिमेट्रिकल। मीन्स here you have 100 kilonewton load which is 250 mm from A, here you have another 100 kilonewton load which is 250 mm from B, means this is exactly symmetric. तो अभी ये beam के ऊपर total load आ रहा है 100 plus 100 which is 200 kilonewton, और आपके पास दो support है, तो यहाँ पे load equally share हो जाएगा, means the force or reaction at A is equal to 100 kilonewton. मतलब ये total 200 में से at A we are having 100 kilonewton reaction, then at B we are having 100 kilonewton, ठीक है। तो means ये 100 plus 100, 200 इधर पे split हो गया, at A it is 100, at B it is 100. Now the question is very simple, हमें calculate करना है पहले bending moment. So I'll write down, since maximum bending moment for given beam, is written as, अभी आप यहां पे देखिए, see here, जब आप इस beam को देखोगे, क्योंकि दोनों जगह पे दोनों reactions same है, fine, तो अभी अगर मैं इन reaction को calculate करता हूं, moment मुझे कैसे मिलेगा? I can calculate moment at C, I can calculate moment at D. क्योंकि जो ये simply supported beam है, उसमें supports पे, means A और B पे moment हो जाएगा zero. So I'll have the value at C and D. वो कैसे मिलेगा? I'll have to multiply 100 with 250. मतलब या तो C पे या D पे.
सो आई विल बी राइटिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आइदर एट सी और डी, दोनों का वैल्यू एक है, दैट विल बी हाउ मच 100 किलो न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 250 mm. इज दैट क्लियर? सो दैट इज गिविंग मी एन आंसर ऑफ m इज इक्वल टू 100, यू कैन से इट इज 25 इंटू 10 रेज टू 3, दैट इज किलो न्यूटन mm. ठीक है, अभी आप इसको कन्वर्ट करो, सो दैट विल गिव यू 25 इंटू 10 रेज टू 6 न्यूटन mm. हम लोग ये वैल्यू यूज करने वाले हैं, ओके, ऑफ m. नाउ आफ्टर गेटिंग m, वी नीड टू नो व्हाट इज i एंड व्हाट इज y. i क्या है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो उसके हाफ पे होता है न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, ओके, और यू कैन से x-x एक्सिस, फाइन, और ये है y-y एक्सिस. तो आपको कैलकुलेट करना है i-x-x, इट इज वेरी सिंपल, यू कैन यूज bd क्यूब बाय 12. सो आई विल से दैट नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर गिवन रेक्टेंगुलर सेक्शन, is as you can write down I is equal to, that is bd cube by 12, b ka value is 100, d is 200. So if I calculate this, my answer of I, it comes out to be, in this question I am getting my answer of I, which I have already done, my answer comes out to be 6.66 into 10 raised to 7 mm raised to 4. So I have got I. Now I have to only calculate what is Y. So Y, ye hume yahan pe data pe hi dikh raha hai. See here. Y is the distance from neutral axis to the maximum layer. This is Y. So this Y is equal to D by 2. This Y is equal to D by 2. Okay. So I'll say that since y is equal to d by 2, so therefore d is 200 divided by 2, so therefore my answer of y is 100 mm. Abhi mere pas sabhi values hai, so I can put all values in equation number 1. Therefore, sigma b is equal to capital M. See here, equation 1 mein capital M upon I hai. Toh capital M hume mila tha. This was 25 into 10 raised to 6. So, capital M is 25 into 10 raised to 6 divided by, it is divided by I. I ka value hume mila hai. It is 6.66 into 10 raised to 7. So it is 6.66. 6.66 into 10 raised to 7 multiplied by y, and y is 100. So therefore my answer of sigma b, which I had done here, it comes out to be 37.5 newton per mm square. Okay, and that's my answer. Means, ये जो beam का section है, rectangular section, उसमें stress है 37.5, और अगर मैं इसका stress distribution diagram draw करता हूँ, it will be something like this. The stress distribution is like this. See here, ये value जो है, this is 37.5 newton per mm square, and below also it is 37.5 न्यूटन पर mm square, ठीक है, और क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो ये इस तरह से बेंड होगा कि टॉप लेयर्स आर इन कंप्रेशन, बॉटम लेयर्स आर इन टेंशन. सो दिस इज yd एंड दिस इज yc, ओके, एंड यू कैन शो द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस, ओके. सो द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन कंप्लीटेड. And with this, we have completed 5 problems on bending stresses. Now, let us go on to the next question.